अब प्रतिनिधिवाद क्या होता है, एक तो सामान्यवाद होता है और एक होता है प्रतिनिधिवाद। इसको बताया गया है ऑर्डर वन रूल एट में। सीपीसी का ऑर्डर वन रूल एट ही बताता है कि प्रतिनिधिवाद कैसे दायर किया जाएगा, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है और किसकी परमिशन से होगा। तो आज हम लोग जनरली सूट्स, इसका क्या नाम है, रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में जनरली जानेंगे क्या होता है। ये एक विषय वस्तु है। ये क्या है, सब्जेक्ट मैटर है। ये सब्जेक्ट मैटर है और इस पर विवाद है। क्या है, इस पर डिस्प्यूट है। ये कोई एक विषय वस्तु है, ये अचल संपत्ति हो सकती है, कोई अन्य चीज हो सकती है और सीपीसी में बताएगी कि कोई अन्य किसी प्रकार की संपत्ति हो सकती है। इस पर क्या है, विवाद है। किस किस में विवाद है, एक पार्टी ए है और दूसरी पार्टी बी है, इन दो पार्टियों में विवाद है। तो पार्टी ये क्या कहती है कि हम जाकर के इस पर मुकदमा करेंगे सक्षम न्यायालय में, ठीक है। तो बी पार्टी कहती है ठीक है आप करिए, हम उसको देखते हैं, डिफेंड करेंगे और जीतते हैं तो हम इस पर अपना कब्जा लेंगे। तो इसमें जो जनरली जो सूट होता है वो क्या होता है, ए वर्सेस बी। और हम लोगों का जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव सूट का, तो इसमें तस्वीर दूसरी बदल जाती है। इसमें क्या होता है, इसी विवाद, जो विवादग्रस्त विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, डिस्प्यूट है, इसमें पार्टियां कई होती हैं। जैसे ये है एक विषय वस्तु, इसमें इस पर एक से ज्यादा पार्टियां क्या करती हैं, अपना दावा करती हैं। इस पर क्या करती हैं, अपना दावा करती हैं। कितनी पार्टियां, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितनी भी हो सकती हैं, एक दो तीन, एक से अधिक, दो तीन चार पांच छह, क्या करती हैं, इस पर दावा करती हैं। और जबकि ये मिस्टर एक्स के कब्जे में है, ये है मिस्टर एक्स और इस पर काबिज है और ये कहते हैं कि संपत्ति मेरी है। और इन सब का इसमें क्या बनता है, कुछ ना कुछ लीगल राइट बनता है या नहीं बनता है, बाद की वस्तु, ये बात का प्रश्न है जब न्यायालय इसको डिसाइड करेगा। तो ये सारी पार्टियां क्या करती हैं, इस पर